बहुत श्रद्धा से भाव से कथा कर रहे हैं, परम ज्ञान देते हैं गुरुवर, और ऐसे परम गुरु पाना बहुत सौभाग्यशाली है। और हालांकि पता चलने से कि पता ही है आपको सभी को कि देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं, और इनसे मिलने में बहुत बहुत दूर से सुपरस्टार बॉलीवुड मृदुल की टीम पूरी बहुत बहुत दूर से आते हैं भक्त, और उनकी कथा सुनकर बहुत सुकून आनंद मिलता है, और भजन भी बहुत प्यारे गाते हैं। देख सकते हैं सभी भक्त कथा सुनने के साथ साथ अपनी माला जाप भी कर रहे हैं, ये भक्तों की पहचान होती है। वैष्णव तिलक और तुलसी की कंठ धारण और माला जाप, आप देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। महासंत सभी हैं, उनकी माता जी भी हैं, पत्नी जी भी हैं और पुत्र भी हैं। महासंत अपने कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों को कहीं से कहीं तक खींच लेते हैं जब उनको उनका कोई भी कार्य कर्म होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम है तो भागवत कथा हो और संत का बुलावा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं सभी महा आरती कर रहे हैं महादेव की, और सभी ही इतने महासंत हैं, सभी के हाथ में आरती थाली है, और इतना सुंदर दरबार है भोले बाबा की, नगरी सौभाग्यशाली है कि देवकीनंदन ठाकुर जी को भोले बाबा ने बुलाया तो उनको ऐसे बुलाया कि शिव भागवत कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और सभी भक्त धन्य हुए। क्योंकि कहीं भी भागवत कथा होती है तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी वो पल आ जाता है, वो दिन आ जाते हैं, और जब वो हमारी कथा बिल्कुल प्रारंभ हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि ही अवसर होता है हमें परमात्मा के ध्यान करने का, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, अलग ही सबसे अलग खुशी है। आप देख सकते हैं उनके पुत्र के चेहरे पर इतनी सुंदर स्माइल है, और देवकीनंदन ठाकुर जी ने सभी ब्राह्मणों को सेवा की, उनके उनको पाठ करवाया उनसे, और देख सकते हैं सबको दान दक्षिणा देकर उनको प्रवचन बताकर सुनाकर उनको विदाई की, और देख सकते हैं काफ़ी भक्त भजन में खूब मस्त हैं, सभी कान्हा जी के उसमें नाच रहे हैं, और देवकीनंदन ठाकुर जी ने इतना सुंदर भजन गाया। और इनके चैनल पर आप खोल के देखोगे तो बहुत सुंदर कथा मिलेंगी, और भजन भी आज से चैनल पर बहुत सुंदर आती है कथा इनकी। उनकी माता जी का आप दर्शन हुआ तो ये इनकी माता जी हैं जो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और बैठ के कथा सुनकर इनको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा कि मेरे पुत्र कथा कर रहे हैं और मैं सुन भी बहुत आनंद आ रहा है। और अगर आप कथा से जुड़ना चाहते हो तो आप टीवी के माध्यम से जुड़ सकते हो, और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हो, और फेसबुक के माध्यम से। आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना, तो आप कथा का आनंद ले सकते हैं, और ये कथा ये हमें 7 दिन की होती है, और हमारा 7 जन्म उद्धार हो जाता है जो सच्चे हृदय से और भाव से कथा सुन ले। और सभी को यही कहना चाहेंगे कि कथा चाहे थोड़ी सुने लेकिन जीवन में उतारें, और श्रद्धा से भाव से सुने, और हो सके कर्म अच्छा करें, हद से कर्म अच्छा ही हो, और परमात्मा को ध्यान करके चलें जीवन में। कितना भी धन कमा लो, कितना भी शोहरत कमा लो, पर अपना भगवान को याद करके चलें। देख सकते हैं सनातन धर्म का हमारे ये 4-5 पुण्य आत्मा हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रही हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, और हमारा भी कर्तव्य बनता है जब ऐसे महान गुरु हमारे इतना कुछ हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे गुरु को हमारे बहुत बहुत थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों से सपोर्ट करना चाहिए। तो प्यार परे कमेंट्स कर दो गुरुदेव के लिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर इनके बारे में रोज़ अपडेट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण श्री राधे राधे। सभी भक्तों को आज सब कृष्ण दासों को वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज से चैनल से काफ़ी परिवार सुनता है कथा और जुड़ा हुआ है काफ़ी समय से, और काफ़ी समय से इनकी कथा आती है आस्था चैनल पे। देवकीनंदन ठाकुर जी को बहुत पसंद करते हैं सभी भक्त जो इनको गुरु मानते हैं, तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं। जैसे देख रहे हैं ऋषिकेश में कथा बहुत पावन कथा का अवसर चल रहा है, जो उनके बेटे भी उसमें नज़र आ रहे हैं, और उनकी फैमिली भी पत्नी माता जी सभी फैमिली ऋषिकेश में नज़र आ रहे हैं, और कथा भी बहुत अच्छी पावन कथा चल रही है शिव पुराण। आप देख सकते हैं काफ़ी भक्तों जो कहीं भी कथा हो तो कथा में बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है बिल्कुल स्वर्ग से भी बहुत सुंदर,
बहुत ही आनंद आता है कथा में, भजन में, और ये आनंद सिर्फ उसी को महसूस होता है जो कृष्ण भक्ति में रंगोए होते हैं, शिव भक्ति में रंगोए होते हैं, क्योंकि वही समझ सकते हैं इस आनंद का कीमत। तो आप देख सकते हैं सभी भक्त बहुत भाव से श्रद्धा से कथा सुमरण कर रहे हैं। सभी भक्तों के वैष्णव तिलक लगा हुआ है मस्तक पे, और देवकीनंदन ठाकुर जी वाइट वस्त्र पहने हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके भी लंबे लंबे केश हैं और मस्तक पे चंदन है, गले में तुलसी की कंठ धारण है। उनके पुत्र ने वाइट कुर्ता पहन रखा है और धोती पहन रखी है, उनकी भी शिखा है, और अपने पिताजी के साथ वो भी अपने भजन संध्या कर रहे हैं। लेकिन अपने इतने दिन से कथा चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, आपने उनकी फैमिली को साथ साथ में देखा है, माता जी आरती कर रही हैं उनकी, और उनकी पत्नी जी भी रोज कथा सुनती हैं पूरी फैमिली बैठ के। और देख सकते हैं उनके पुत्र जब भी महासंतों के पास में होते हैं अपने पिताश्री के नज़दीक, तो वो हमेशा नीचे ही बैठते हैं जमीन पर संतों के चरणों में। ये इतना सुंदर संस्कार दिए हैं देवकीनंदन ठाकुर जी ने, क्योंकि सबको ज्ञान देते हैं, अपने पुत्र को भी बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। आपने जब भी देखा होगा उनको, उनके चरणों में बैठे हुए देखा होगा, उनके बेटों को बहुत ही सुंदर प्रवचन सुनाते हैं, वो भी सनातन धर्म के। आप देख सकते हैं काफी भक्त बहुत ही प्रसन्न, बहुत खुश हैं। सभी अपने भगवा रंग पहन के, पीला कुर्ता धोती, मस्तक पे चंदन और शिखा रख के अपने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं सब मिलकर। और देवकीनंदन ठाकुर जी ने, उनके पुत्र ने मिलकर बहुत ही ज्यादा धूम मचा दी और सभी भक्त नाचने लगे, इतना आनंददायक कथा में। और इतना ही नहीं, कथा विराम होने के बाद में आरती भी करते हैं अपनी गंगा माँ की, जो बहुत बहुत बड़े संत महासंत आते हैं। और देख सकते हैं उनके बेटे, उनके पुत्र जो बहुत सुंदर तेज है उनके चेहरे पे, बहुत ही अच्छा उनकी वाणी है, बहुत मीठी वाणी है। कभी का बहुत कमी से उनका दर्शन होता है उनकी फैमिली का, लेकिन ऋषिकेश में अभी इतने दिन हो गए हैं कथा चल करते करते, तो आपको रोज दर्शन हो रहे हैं उनकी पत्नी का। और आप देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर